नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। पहाड़ों के ऊंची चोटियों केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी समेत अन्य जगहों पर बारिश होने के साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ने की संभावना बढ़ी है। तो वहीं इसी बीच हमारी टीम बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंची। केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। इससे पहले चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी की अगुवाई में हमारी टीम ने दोनों ही धामों का दौरा किया और दर्शन पूजन किया। ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी के साथ आप भी दर्शन कीजिएगा बाबा बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ के। साधना समूह की टीम बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन पर निकली। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह की अगुवाई में हम आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर। तो हमारी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा बस प्रारंभ होने वाली है। हम हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं और जल्दी हम यहां से उड़ान भरेंगे। और जिस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने 2014 के बाद से एक शुरुआत की थी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्राओं की, इस वर्ष भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे अपनी यात्रा करने आए थे उत्तराखंड में, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के दर्शन किए थे। और आज इसी संदर्भ में 15 तारीख से पहले कपाट बंद होने से पहले हमारी भी एक शुरुआत है और आज हम भी इस यात्रा को कवर करेंगे। साधना चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों से हम इतना अनुरोध करेंगे कि हमें इस पे अपना आशीर्वाद बनाएं और ये यात्रा सफल हो उसके लिए हम पर अपनी विशेष प्रदान करें। वैसे तो चार धाम यात्रा पर जाने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों की भी कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ। चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड बनी, साथ ही केदारनाथ के दर्शन के लिए हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, ऐसे में केदारनाथ का तेजी से विकास भी हुआ। साधना समूह की टीम पहले बद्रीनाथ धाम पहुंची। तो हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि साधना टेलीविजन आज आपको सीधे दर्शन कराएगा बद्रीनाथ धाम के। और अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। जबरदस्त ठंड है यहाँ पे और हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि जल्दी मूव करें, तो बाकी बातें हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन हमको हेलीपैड से तुरंत मूव करना पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे, लेकिन भक्तों का तांता यहाँ लगातार लगा हुआ है। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बद्रीनाथ धाम आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। तो हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के एकदम पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बस जल्दी हम आपको दर्शन कराएंगे मंदिर में और अपने दर्शकों को सीधा, अगर हमें संभव हो पाया तो हम अपने दर्शकों को सीधा लाइव प्रसारण सीधे दिखाएंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं मैं बद्रीनाथ धाम मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की भीड़ यहाँ पे। मैं बोलूँगा अपने सहयोगी से, कृपया पूरी भीड़ को दिखाएं, जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे वो कितनी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं इस समय यहाँ 0 डिग्री से भी कम यहाँ पे टेम्परेचर है और लगातार इतनी ठंड होने के बावजूद जिस प्रकार से यहाँ पे बद्रीनाथ धाम पे आए हुए श्रद्धालुओं की जो भीड़ बढ़ती जा रही है। और मैं ये आपसे जरूर बताना चाहता हूँ कि हाल ही में अभी योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आए थे और दर्शन करके गए थे। कहीं ना कहीं राजनेताओं का असर तो पड़ता ही है, लेकिन आम जनता जिस प्रकार से एक श्रद्धालु के रूप में बद्रीनाथ धाम में अपना कहीं ना कहीं जो संख्या बढ़ती जा रही है वो बताती है कि ये धाम कितना पवित्र है और लोगों में आस्था के प्रति, जो आस्था यहाँ के प्रति है वो कितनी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्त्रियाँ हों या पूरा परिवार हो, पूरा कुटुंब यहाँ दिख रहा है कि वो सब आ चुके हैं लोग यहाँ पे और बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। मैं फिर से एक बार अपने सहयोगी से बोलूंगा कि कृपया एक बार पूरा ये व्यू दिखाएं यहाँ पे हमारे दर्शकों को, ये बद्रीनाथ धाम। जो लोग, जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, साधना टीवी के सभी दर्शकों को ये हम बता सकते हैं कि आप ये पूरा, आप इसको सजीव प्रसारण भी देख सकते हैं कुछ ही क्षणों के बाद। और ये पूरा जो दृश्य है ये अपने आप में दिव्य है। आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं साधना टीवी के माध्यम से। बद्रीनाथ भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है और ये स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम की महत्ता यहाँ के पंडितों ने बताई। भगवान जी के आशीर्वाद से बहुत बेहतरीन दर्शन हमारे हुए और दर्शन के उपरांत हम सीधे बातचीत करेंगे पंडित से। पंडित जी, एक तो शुभ नाम अपना बताएं और आप यहाँ किस पद पर हैं और बद्रीनाथ धाम के विशेषताओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम पंडित भास्कर डिमरी, सदस्य श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी।
मैं आपको बता दूं कि अभी ये कपाट बंद होने का समय आ गया, काफ़ी ठंड भी काफ़ी आ गई यहाँ पे, और जिस हिसाब से यहाँ पे आदमियों का उत्साह और भगवान बद्री विशाल के प्रति जैसी उनकी आस्था और जैसी उनकी श्रद्धा है उसके सामने सब चीज़ व्यर्थ ऐसा मुझे लग रहा कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है तब भी लोग लाइन पे खड़े सुबह 3 बजे से, और आपके सामने आपके मंदिर के आसपास सभी देखों की भीड़ किस तरह यहाँ पे, तो बिल्कुल ये सिद्ध और प्रत्यक्ष प्रमाण ये होता है कि आस्था प्रबल हो इसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। पंडित जी एक सवाल खासतौर से हम पूछना चाहते हैं, मैं अपने सहयोगी से बोलूं कृपया एक एक व्यू जो है वो पूरे यहाँ का दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है और ये भव्य रूप से ये जो धाम है इसका जो पूरा जीर्णोद्धार जो खासतौर से हम कहें जो इसको निर्माण जो इसका पूरे अच्छे तरीके से हो रहा है और श्रद्धालुओं, और हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजिट के बाद से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उनकी खुद की सोच और वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके कहीं ना कहीं उनके निजी उनके इंटरेस्ट लेने से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे काम अच्छे से हो रहे हैं। पंडित जी ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या है और ये आगे इसके क्या स्वरूप मिलने वाला है? देखो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो उनका विश्वास है और जो भविष्य के प्रति जो उनका चिंतन है, जिस हिसाब से यहाँ पे मास्टर प्लान जो आज के डेट में जो है हजारों श्रद्धालु आते हैं प्रतिदिन यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भविष्य में लगभग 1-1.5 लाख रुपये प्रतिदिन यहाँ पे 1-1.5 लाख तीर्थयात्री यहाँ पे दर्शन करेंगे, उनकी सुविधाओं को लेकर ये मास्टर प्लान का भव्य रूप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मैं बद्रीनाथ टेंपल कमेटी की और यहाँ पे पुजारी संघ जितना भी डिम्मीधार में केंद्रीय पंचायत है हक हकूकदारी है उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और देश के जो लोकप्रिय पूरे विश्व में जिन्होंने अपनी अच्छी छवि बनाई है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिनके कारण ये युद्ध स्तर पे ये मास्टर प्लान को किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, यहाँ आने वाले भक्त माँ अलकनंदा के दर्शन पूजन भी करते हैं। ये अलकनंदा नदी आप देख सकते हैं और सीधे मैं बोलूंगा कि एक बार गंगा नदी के दर्शन जरूर कराए हमारे दर्शकों को, बड़ी पवित्र नदी कही जाती है ये, और मुझे लगता है कि सौभाग्य वालों को ही अवसर मिलता है जब वो इस नदी के दर्शन कर पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस नदी के साक्षात स्पर्श भी कर सकें, ये हमारी कोशिश होगी। और ये अलकनंदा नदी है आप देख सकते हैं और हम बहुत जल्द ही आपको दर्शन बद्रीधाम जी के करवाएंगे। मुझे और हमारी टीम को यह सौभाग्य मिला कि हम अलकनंदा नदी जो आप देख सकते हैं जो पवित्र नदी है जो माँ गंगा के साथ आगे समर्पित होती है और यही माँ गंगा भी इसको हम कहलाते हैं, इनको कहा जाता है। पूरे देश के भ्रमण करने के बाद भी हमें वो सौभाग्य नहीं मिलता जब हम खास तौर से जब पवित्र नदियों का हम दर्शन कर पाते हैं, और अलकनंदा एक ऐसी नदी है जिसको आज हम देख सकते हैं। ये इतना इसको मैं स्पर्श अगर कर रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि इसमें ये सीधा ये बर्फ नुमा ये जो जल आप देख रहे हैं ये उस पवित्र नदी का सिर्फ एक छोटा सा वो है, लेकिन मेरे हाथ इसमें कांप रहे हैं इतना ज़्यादा ये पूरी तरीके से ये ठंडी हो चुकी है और इतनी ज़्यादा इसमें जो हम कह सकते हैं कि इसको हमारे छूने में भी इसको तकलीफ हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ का रंग क्या हो गया है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से बस इतना बताना चाहता हूँ धर्म और ख़ास तौर से हिंदुत्व धर्म अगर हम बात करते हैं तो उसमें इन नदियों का उल्लेख किया गया है, वेदों में भी उल्लेख किया गया है और ये नदी अपने आप में इस देश की पवित्र नदियों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है, यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। तो हम लोग के दर्शन बहुत ही भव्य रूप से बद्रीनाथ धाम के हो चुके हैं, अब हम लोग केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए यहाँ से तैयारी करने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा चौपर उड़ेगा और फिर हम लोग सीधे केदारनाथ धाम जाएंगे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग अब केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, सामने आप ये मंदिर देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसमें पूरे देश भर के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और आज हमें भी ये सौभाग्य मिला कि बद्रीनाथ धाम के बाद हम केदारनाथ धाम पहुंच पाए हैं और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है,
लेकिन मैं ये कहूंगा कि आ करके यहाँ अगर हमारी सांसें भी अगर इतनी धीरे चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बाबा जी के पास पहुंच चुके हैं और जल्दी हम बाबा जी से दर्शन करके हम आपके पास वापस लौटेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। इससे पहले भक्तों की भारी भीड़ बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ रही है। साधना समूह के चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन को आए भक्तों से बात की। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ रही है और साधना टीवी इस बात को लगातार अपने दर्शकों को बताता रहता है कि इस देश में जो धार्मिक स्थल है उनकी अपनी अलग महत्वता है और यहाँ पे लोग लगातार यहाँ पे आए। भैया आपको ये दर्शन करने पहली बार आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ दर्शन करने आए? क्या बद्रीनाथ जी से क्या मांगने वाले हैं आप? बस तो अब हम मांगिए आप कुछ अब क्या आपको क्या बोलना चाहेंगे आप खासतौर से बद्रीनाथ धाम के यहाँ के लोगों के लिए? बद्रीनाथ बहुत ही अच्छा सिस्टम है, रहन सहन भी अच्छा है, खाना पीना भी सब सही है, जय सलगरी महिला के बढ़िए। ये तो आप सर यहाँ पर आने का मतलब है संसार से मुक्ति। तो ये लोग कुछ लोग हैं जो अपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। एक हमारे साथ माता जी हम इनसे पूछेंगे। माता जी दर्शन करने आप यहाँ पे आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? और हम हमेशा भगवान जी दर्शन करते रहें कि हे भगवान सब लोगों को सुखी शांत रखें और उनकी मनोकामना पूरी करें। तो लोग ये हमारे देश का आप संस्कार देख सकते हैं कि लोग सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते बल्कि दूसरों के लिए भी मांगते हैं, यही हमारे देश का संस्कार है। मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करना चाहूंगा कि और उनसे पूछूंगा। और सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ दर्शन करके? बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप बताते हैं कि बहुत कष्टों के बाद आदमी यहाँ पहुँच पाता है, तो आप कैसे आपने सफर कैसे किया यहाँ पे और कैसे पहुँचे आप यहाँ पे? इतना कष्ट तो नहीं है, गाड़ी से हम लोग आए हैं, आराम से गाड़ी आई और यहाँ से पैदल धर्मशाला से यहाँ तक पैदल आए, बिल्कुल भी कष्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं भले ही वो कष्टों से गुजर करके यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं लेकिन बाबा जी के और बाबा बद्रीनाथ धाम से दर्शन करने के बाद जो उन्हें सुकून मिलता है वो अपने आप में उनको सारी एनर्जी देता है। तो आप देख सकते हैं कि हम केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं, केदार बाबा के हमने दर्शन कर लिए। साधना टीवी के सभी दर्शक लगातार आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप इसका पूरा कार्यक्रम ये दोनों धामों के दर्शन आप विस्तार पूर्वक देख पाएंगे जल्दी हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम जब केदार धाम पहुंचे तो हम एक हमारे साथ एक अगौड़ी बाबा हैं। अगौड़ी बाबा आप कब से हैं यहाँ पर? सबसी बाबा। सबसी बाबा हम 40 साल से रहते हैं। बाबा यहाँ केदारनाथ धाम की क्या विशेषता है बताइए? यहाँ अपार माया भोले शंकर है, इनकी लीला न्यारी है, उसकी माया को हम बता नहीं सकते हैं, भोले जाते हैं वो 3 लोग 14 भवन का मालिक। और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको क्या यहाँ से आशीर्वाद मिलता है बाबा? आशीर्वाद जो जैसे बाप चाहते हैं वैसे आशीर्वाद। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा एक बार कृपया जो है पूरा एक व्यू दिखाएं यहाँ केदारनाथ मंदिर का। आप भीड़ देख सकते हैं लोगों की आज, हालांकि सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है लेकिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, चाहे वो सोमवार हो या मंगलवार हो या बुधवार या कोई भी दिन, लगातार यहाँ भीड़ बढ़ रही है लेकिन सोमवार के दिन खासतौर से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ काफी लगातार है और ये सारे श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आए हैं। और हाँ ये बात सच है, बाबा किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं यहाँ से और ये सारे श्रद्धालु लगातार उनके लिए आए हैं, उनको दर्शन करने के लिए आए हैं। शुभप्रकाश जी कहाँ से आए हैं आप और दर्शन के लिए क्यों, कैसे आप मोटिवेट हुए आने के लिए? अयोध्या धाम से आए हैं, यहाँ आए हैं, बाबा जी का नाम बहुत सुना था, कई सालों से इच्छा थी आने के लिए, आज बाबा जी ने अपने आशीर्वाद दिया और यहाँ दर्शन करवा दिए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी व्यवस्था लगी यहाँ लेकिन यह है कि अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा, ईश्वर से प्रार्थना है सुधार हो, लोगों को सुगमता से दर्शन हो, अच्छा लगे। अयोध्या में भी भगवान श्री राम जी बहुत जल्द विराजमान होने जा रहे हैं, आप वहाँ से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब बाबा धाम के बाद, अब बाबा केदारनाथ के बाद आप वहाँ दर्शन करेंगे श्री राम जी को जब वो वहाँ पे विराजमान हो जाएंगे 22 जनवरी के बाद, जैसे कि जो डेट एक तिथि निर्धारित हो रही है वहाँ पर, बहुत तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, मोदी जी का वहाँ बहुत ही स्नेह है और शायद उन्हीं के कारण वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। इसके पहले भी सरकारें थी, सरकारें आई गईं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया था, यह सरकार जब से आई है तब से वहाँ बहुत ध्यान दिया है, रोडें वहाँ बड़ी चौड़ीकरण हो रही हैं, सारा अयोध्या का नाम पूरे विश्व पटल पर आ गया है, लोग बहुत सम्मान के साथ देख रहे हैं और वहाँ की कायाकल्प हो गई है और हमें लग रहा है कि 24 तारीख जो डेट निर्धारित है
मंदिर प्रशासन के द्वारा, उसके पहले ही वहाँ का सौंदर्यीकरण हो जाएगा और बहुत विधिवत लोगों के दर्शन होंगे। लोग बहुत अपने आप को धन्य बनाएंगे, पूरे विश्व से लोग वहाँ आएंगे। तो ये थे हमारे साथ एक श्रद्धालु जो खासतौर से इतने अयोध्या से आए हैं और ये भी बता रहे हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से श्री राम जी के विराजमान होने से पहले ही वहाँ भव्य तैयारियाँ हो चुकी हैं। हम एक और श्रद्धालु से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर तो जसकरण सिंह जी, कहाँ से आए आप और बाबा जी के दर्शन करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हम पूना से हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो आपको लगता है बाबा यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं वापस भेजते हैं, आपको भी नहीं भेजेंगे? तो बाबा जी की देनी है, सब वही चला रहे हैं सब सृष्टि, तो अभी हम कहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से बाबा जी के प्रसाद, उनके दर्शन के बाद से कतई उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ कितनी थकान है। और मैं फिर से अपने सहयोगी से बोलूँगा, कृपया एक बार पूरा इस मंदिर प्रांगण के पूरा व्यू दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये तो धाम है, ये आज यहाँ पे -0°C से भी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, लेकिन लोगों की जो हम कहते हैं एनर्जी है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को कोई भी तरह से पराजित नहीं कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर गए और बद्रीनाथ में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वो यहां से केदारनाथ भी गए। सीएम ने ब्रह्मकपाल में अपने पितरों का और गुरुओं का तर्पण भी किया। केदारनाथ के भव्य दर्शन के बाद कहते हैं कि जब तक नंदी जी के आप दर्शन ना कर लें, तब तक आपका दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। हमारे साथ में बाबा जी हैं जो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा जी, हम साधना टीवी से हैं और लोग यहाँ जो भक्त इतने बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, ये क्यों इतनी भीड़ बढ़ रही है बाबा? आस्था, आस्था स्नातक है यहाँ केदार बाबा की, जो आस्था भक्तों के दिलों में है, इसी आस्था का कारण यहाँ भीड़ बढ़ा चल रही है। बाबा जी आप यहाँ कब से हैं? हमें होगा तो होगा 2 से। बाबा जी यहाँ केदारनाथ की मुख्य मान्यता क्या है? आखिरकार बाबा का ये मान्यता क्यों है इतनी ज़्यादा पूरे विश्व में? बाबा की शक्ति के कारण, बाबा की शक्ति के कारण सारी आत्माएं खुशी चली जाती हैं। बाबा ये बोला था जब यहाँ आपदा आई थी, उसके बावजूद भी इस मंदिर पर जरा सा भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई थी और यहाँ पे एक पत्थर आया था, उसके बारे में जरा घटना के बारे में बताइए। ना हुई थी, ना हुई है, ना होगी, क्योंकि इस मंदिर में जो है स्वयं भगवान यहाँ पर वास कर रहे हैं इस स्थान पर, यहाँ कभी इसका कुछ नहीं हो सकता है। ओम नमो जय श्री कृष्ण। तो सभी साधना न्यूज के है कि आप सबको साथ लेकर चल सके। दिवाली हमारा ऐसा त्योहार है जो पूरे देश नहीं दुनिया में मनाया जाता है। दीपावली के पहले 11 तारीख को दीपोत्सव भी अयोध्या में मनाया जा रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दीपोत्सव का भी जो है आप उसका भी लाभ लें, टीवी पर देखें। और इस बार 21 लाख से अधिक दिए जलाए जा रहे हैं सरयू जी के किनारे अयोध्या में। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां रहेंगे तो निश्चय ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, सबके परिवारों को बधाई। सब मिलकर दिवाली एक साथ मनाएं और हम अपने त्योहारों को खुशियों से मनाकर एक पूरे विश्व का एक अच्छा परिवार बनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयां। ये वह समाज का, वणिक समाज का, व्यापारी समाज का बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि व्यापारी अपने खाता बही को बदलता है, पूरे घर की सफाई करता है, अपने लोगों में मिठाइयां बांटता है और व्यापार की बढ़ोतरी के लिए माँ लक्ष्मी गणेश की दिव्य पूजा भी करता है। मैं स्वयं भी एक व्यापारी परिवार से हूँ तो मुझे ये, मैंने हम लोगों ने बचपन से देखा है, चीज़ों को समझा है। अब दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि दिवाली आई नहीं कि कहीं ना कहीं व्यापारियों का एक बड़ा त्यौहार आ गया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की तरफ से सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल में यह पर्व आता है हम सब लोगों के लिए मौसम के बदलाव की आहट लेकर। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के जागरण के साथ साथ ये संदेश देने के लिए कि जिस तरह से एक लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने घर लौटे थे और अयोध्या वासियों पर आनंद और आशीर्वाद की रसवर्षा हुई थी, हम सब के अपने अपने अपनों के साथ रहे, कभी किसी के साथ अन्याय ना हो और अंधकार को हटा करके
दीप जला करके नव विचार, नव तेज और नव ऊर्जा और चेतना का दीपक हम सबके अंतर मन में जले। उत्तर प्रदेश समस्त भारतवर्ष और विश्व में जहां कहीं भी हम सभी भारतीय और सनातनी हैं, दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको दिवाली से पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 1,75,00,000 पात्र परिवारों के लिए निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ भी किया। जो गरीब थे, वंचित थे, कमजोर थे, जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, उन लोगों को भी रसोई गैस का कनेक्शन मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। और देखते ही देखते देश के अंदर 9,60,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों को पहली बार फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए थे। यह केवल एक कनेक्शन नहीं था, उज्ज्वला योजना का यह सौगात उन्हें घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय पे स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम की शुरुआत तो थी ही, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक उपहार था। हम सब जानते हैं कि धुआं कितना खतरनाक होता है और इसमें फेफड़े अगर समय पे काम न करें व्यक्ति के लिए श्वास लेना कठिन हो जाता है, श्वास फूलती है, चल नहीं पाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है और वह व्यक्ति के लिए कितना संकट हो जाता है। यह हमने पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर कोरोना कालखंड में देखा है। जिनके लंग्स, जिनके फेफड़े कमजोर थे, वे लोग कोरोना का सामना नहीं कर पाए, असमय कालकल्पित हो गए। जो नियमित अभ्यास करता है, स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है, स्वास्थ्य उसका एकदम उत्तम है, अनुकूल है, वो स्वस्थ है, कोरोना जैसी महामारी आई चली गई, उसका बाल बांका नहीं कर पाई। याद करिए, अगर 2016 में उज्ज्वला योजना नहीं आई होती, कितने लोग इसकी बीमारी की चपेट में आए होते। बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया है उज्ज्वला योजना ने और उनको एक स्वस्थ राह पर चलने का एक मार्ग भी दिखाया है उज्ज्वला योजना ने। हम सब इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने देश के अंदर 9,60,00,000 परिवारों को, यानी परिवार में अगर आप देखेंगे, एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे तो परिवार कितने लोगों को उन्होंने जीने की एक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हे मॉम, हे लुक, आई गेट